जैसे कि आप लोगों को पता ही है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, फूड एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में। फूड के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट पढ़े थे और उनका हमारे शरीर में क्या रोल है, क्यों जरूरी है, वो सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मेरी वीडियो को और भी डिटेल से जान सके, देख सके, ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कि फूड को डाइजेस्ट करने वाला सिस्टम कौन सा है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू फूड डाइजेस्ट होता है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो फूड को डाइजेस्ट करता है उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। नेम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू फूड का डाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। बॉडी का कोई भी सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनता है। जैसे हमारे बॉडी के सबसे छोटी यूनिट होती है सेल, ये बॉडी की बेसिक यूनिट होती है सेल, जिसको हम कोशिका भी कहते हैं। जैसे ही बहुत सारी सेल कनेक्ट होती है, फर्दर रिएक्शन होती है तो बन जाता है टिश्यू, ठीक है। जैसे ही फर्दर वर्क प्रोसीड होता है, टिश्यू कनेक्ट होते हैं तो उसके बाद बन जाता है ऑर्गन। एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ऑर्गन सिस्टम की बात बनती है आपकी बॉडी, ठीक है। यानी बॉडी को बनने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें सेल की जरूरत पड़ती है। जैसे ही बहुत सारी सेल कनेक्ट होती है तो बन जाती है बॉडी। जिस टाइप से एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें पहले एक ईंट की जरूरत पड़ती है, ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है न्यू बिल्डिंग को बनाने के लिए। जैसे ही ईंट एक दूसरे के साथ जुड़ती है तो पूरी बिल्डिंग बन जाती है। इसी टाइप से शरीर का निर्माण करने के लिए हमें जरूरत होती है कोशिका की, जिसको हम सेल कहते हैं। जैसे ही बहुत सारी सेल कनेक्ट होती है तो बन जाता है टिश्यू, फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होती है, वर्क होता है तो उसके बाद बन जाता है ऑर्गन। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं, जैसे ईयर, आईज, नोज, इस टाइप से। देन ये ऑर्गन कलेक्ट होते हैं तो एक बना देते हैं सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। इसी टाइप से डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके अंदर सारे ऑर्गन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो फूड को डाइजेस्ट करने वाला सिस्टम कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं जिनका अलग अलग रोल होता है, जैसे माउथ, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन लीवर। ये अलग अलग ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, इनका हमारी बॉडी में अलग अलग रोल होता है, ठीक है। जो ये माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इनका अलग अलग कार्य होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि जो हम खाना खाते हैं वो किसी न किसी रास्ते के थ्रू जाता है, ठीक है। किसी रास्ते से होके गुजरता है जो हम खाना खाते हैं, तो उस रास्ते को हम कहते हैं आहार नाल। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, एक ऐसी नाल, एक ऐसी आहार नाल जिसके थ्रू क्या होता है, फूड फर्दर प्रोसीड होता है, जो किसी रास्ते से होकर भोजन गुजरता है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एंड इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अलग अलग ऑर्गन एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम कहते हैं माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जैसे आप खाना खाते हो, सबसे पहले मुंह में लेते हो भोजन को, यानी फूड का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। माउथ के बाद फूड चला जाता है ईसोफेगस में, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है ईसोफेगस। ये एक पतली सी पाइप होती है, पाइप की तरह होती है, इसमें कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता, इसमें फर्दर प्रोसीड होता है फूड, मतलब भोजन को निगला जाता है, भोजन को यहाँ पे पचाया नहीं जाता, भोजन यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होता।
ठीक है, इसका काम होता है सिर्फ कि माउथ से फूड उठाया, इसोफेगस क्या करता है, माउथ से उठा लेता है और स्टमक के अंदर डाल देता है, यानी ये सेल्फ फर्दर प्रोसीड कर रहा है, मुंह से उठा के स्टमक के अंदर डाल रहा है, यानी हम इसमें सिर्फ और सिर्फ भोजन को निगल रहे हैं, कोई फूड का डाइजेशन इसमें नहीं हो रहा है। तो फूड आ जाता है जी स्टमक के अंदर, जो ये आप देख रहे हो ये जे लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम कहते हैं स्टमक। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा ऑर्गन होता है स्टमक, ठीक है। पूछ सकते हैं कि सबसे लंबा ऑर्गन कौन सा होता है, सबसे चौड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, तो जो ये एलिमेंट्री कैनाल है इसका सबसे चौड़ा ऑर्गन होता है स्टमक, जिसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसकी शेप जे की तरह होती है, जे लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन का मतलब होता है फूड का छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाना, ब्रेक डाउन इंटू स्मॉल पार्ट, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ छोटे टुकड़े होते हैं स्टमक में। स्टमक के बाद फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो ये आप देख रहे हो इस टाइप से, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा ऑर्गन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 6.5 मीटर अप्रोक्सीमेट, यानी 6 मीटर प्लस होती है, 6.5 मीटर आप कह सकते हो, 6.5 मीटर समझते हो, यानी टू स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए इतनी ज्यादा होती है। ये बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही पास पास होती है, क्योंकि बहुत लंबी बहुत लेंथ हो जाती है 6.5 मीटर, ये बहुत क्लोज क्लोज होती है, और इसके अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। फूड का कंप्लीट डाइजेशन से मतलब है फूड का ब्लड के अंदर मिक्स हो जाना। जैसे ही फूड ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो हमें ब्लड से फिर फूड से क्या मिलती रहेगी, एनर्जी मिलती रहेगी और हम काम करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ फूड ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, हम उसको कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, वो किसी ना किसी एक्सक्रीटरी पार्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे वाटर अब्सॉर्ब करने का काम करती है लार्ज इंटेस्टाइन, जो ये आप देख रहे हो ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1.5 मीटर, ठीक है। अब यहां से एक चीज है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 6.5 मीटर एंड लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है सिर्फ 1.5 मीटर, फिर भी इसको लार्ज बोला जाता है, इसको स्मॉल बोला जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसको लेंथ बेस पे डिफाइन नहीं किया गया स्मॉल एंड लार्ज, इसको विड्थ के बेस पे बोला जाता है, यानी इसका डायमीटर बहुत कम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ कम होती है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होता है, इस वजह से इसको लार्ज बोला जाता है एंड इसको स्मॉल बोला जाता है। लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है लेकिन विड्थ कम होती है, ठीक है। डायमीटर के बेस पे इन दोनों को क्लासिफाई किया जाता है स्मॉल एंड लार्ज, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के ये पार्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिनका अलग अलग रोल है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन होते हैं, जैसे माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। These are the digestive organ, जिनके through food का digestion होता है, इनका अलग अलग रोल होता है, हम इनको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके अलावा digestive organ के अलावा कुछ ऐसी gland होती है जो food को digest करने में help करती है, उनको हम कहते हैं digestive gland, जैसे salivary gland, pancreas and liver, these are the digestive gland, इनका अलग अलग रोल होता है। जैसे थोड़ा सा बता देती हूँ, सलाइवरी ग्लैंड, नेम से ही पता चल रहा है सलाइवरी ग्लैंड, इसके अंदर एक वर्ड निकलता है सलाइवा, सलाइवा कहते हैं हम लार को, इसको बोला जाता है सलाइवरी ग्लैंड को लार ग्रंथि, यानी जिससे लार निकलती है उसको हम कहते हैं लार ग्रंथि, यानी आप बोल सकते हो इट सीक्रेट्स सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे आपने सुना ही होगा, खाया भी होगा च्युइंगम, जो हम च्युइंगम चबाते हैं तो फिर हमारे माउथ के अंदर लार बनती रहती है और वो लार हमारे स्टमक के अंदर चली जाती है, जिससे फूड का डाइजेशन इजीली होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें कभी कभी च्युइंगम भी चबाना चाहिए, जिससे सलाइवा बनता है और सलाइवा का रोल होता है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है।
सलाइवा के अंदर दो एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले हल्का सा बता देती हूँ। नेक्स्ट है पैनक्रियास। पैनक्रियास में डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिससे एक जूस निकलता है, उसको हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस भी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम होते हैं जो फूड को कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। निकलते पैनक्रियास से है लेकिन काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। और फूड को डाइजेस्ट करने में जो हेल्प करते हैं उनको हम कहते हैं एंजाइम्स। तो पैनक्रियास से भी एंजाइम निकलते हैं, इसीलिए ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। नेक्स्ट है लीवर। इट सीक्रेट्स बाइल जूस। लीवर का अलग ही रोल होता है, इससे बाइल जूस निकलता है। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर होती है। आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है स्किन, लेकिन ग्लैंड की बात होती है तो ग्लैंड होती है लीवर। लीवर एक ऐसी ग्लैंड है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, यानी कोई भी बीमारी है, कोई भी, जैसे देख लो आप, फूड पॉइजन हो जाता है, वॉमिट होती है, तो लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। टाइफाइड हो जाएगा तो लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे इफेक्ट पड़ेगा। लीवर की रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, जल्दी से इफेक्ट हो जाते हैं, जल्दी से खराब हो जाता है और जल्दी से ठीक हो जाता है, ठीक है। तो मोर रीजनरेटिंग पावर किसकी होती है? लीवर की होती है। लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी टोटल लेंथ होती है 9 मीटर, तो आप बोल सकते हो द टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज 9 मीटर। आहार नाल की जो टोटल लंबाई होती है वो कितनी होती है? 9 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल को आप हिंदी में बोल सकती हो आहार नाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं। और टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो ये 9 मीटर लंबी होती है। अगर फीट में पूछ ले कि कितने फीट लेंथ होती है तो फीट में आपका आंसर रहेगा 32 फीट, ठीक है। HSSC ने एक बार फीट में इसकी लेंथ पूछी थी, तो 32 फीट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न करोगे। टोटल की बात हो रही है तो 9 मीटर, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो होती है 6.5 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है कि जो छोटी आंत होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 6.5 मीटर लंबी होती है। तो आप बोलोगे तो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6.5 मीटर एंड द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई होती है 6.5 मीटर एंड बड़ी की होती है 1.5 मीटर, तो दोनों मिलके 8 मीटर एरिया कवर कर लेती है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देखो टोटल लेंथ थी 9 मीटर एंड इंटेस्टाइन ने कवर कर लिया 8 मीटर, तो 1 मीटर लेंथ रह जाती है माउथ, इसोफेगस एंड स्टमक, ठीक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे चौड़ा ऑर्गेन होता है स्टमक। स्टमक सबसे चौड़ा ऑर्गेन होता है, लेकिन अगर सबसे लंबा ऑर्गेन की बात होती है तो सबसे लंबा ऑर्गेन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा ऑर्गेन होता है स्टमक एंड जो सबसे लंबा होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर। तो अभी तक हमने पढ़ा जो फूड हम खाते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू फूड जाता है, डाइजेस्ट होता है, तो वो किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट होता होगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस को कहते हैं भोजन पचाने की प्रक्रिया। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत भोजन डाइजेस्ट होता है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर 5 स्टेप होते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। इनका अलग अलग रोल है। इंजेक्शन किसको कहते हैं? देखो जो हम फूड खाते हैं, हम खाना खाते हैं, सबसे पहले हम उसको मुंह में लेते हैं, माउथ में डालते हैं, तो टू इनटेक ऑफ फूड इनटू माउथ इज कॉल्ड इंजेक्शन। भोजन का मुंह में लेना उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। तो माउथ के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक डाउन
ब्रेक डाउन हो जाना यानी टुकड़े करना, भोजन के टुकड़े करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन टू ब्रेक फूड, फूड का ब्रेक डाउन करना स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, जब उसका हम छोटे टुकड़े कर देंगे तो उसके बाद मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है, मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन में जो से मिक्सिंग ऑफ फूड इनटू ब्लड, फूड मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है ब्लड के अंदर। जैसे ही ब्लड के अंदर भोजन मिक्स होगा तो वहां से हमें एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिमिलेशन, टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। जो फूड भोजन, जो भोजन है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो गया, उससे फिर एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी को हम किसी न किसी काम करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एंड कुछ ऐसा फूड होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, उसको हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, एक्सक्रीट करना होता है, तो उसको हम कहते हैं इजेक्शन, टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, जिसको हम अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं, अनपचा हुआ भोजन, उसको बॉडी से बाहर करना, उसको हम कहते हैं इजेक्शन। ये पांचों प्रोसेस किस चीज की, हम मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर 5 स्टेप होती है, 5 प्रक्रिया होती है जिनसे अलग अलग टाइप से भोजन डाइजेस्ट होता है। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।